practices classes my name is Aisha parveen and you are watching ss classes so all my dear students today i will discuss the class 7 physics the name of chapter is magnetism uh, this is the last chapter of physics so in this video we learn about magnetism all about magnetism so first of all uh, we see about uh, what is this lesson and uh, in this lesson what we learn about first is a magnet and magnetism second is a kind of magnets बार मैग्नेट्स मैग्नेट्स नीडल हॉर्स शू मैगनेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन्स मैग्नेटिक लाइन्स फॉर ऑफ फोर्सेज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक कंपास इलेक्ट्रिक वेल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ तो इतने सारे टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं ठीक है सो नाउ वी डिस्कस अबाउट वन बाई वन ऑल द टॉपिक तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज़्म में जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है क्योंकि मैग्नेटिज्म में जो हमें जो पढ़ना है वो मैग्नेट से ही रिलेटेड है तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज़्म में सबसे पहला हमारी बात आती है मैग्नेट क्या होता है ठीक है तो चाइनीज़ में यहाँ पे बताया गया है आपको बहुत डिटेल में आपकी बुक में क्लास सेवन में भी ये चैप्टर था सॉरी क्लास सिक्स में भी ये चैप्टर था मैग्नेटिज्म करके तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर बताया गया था आपको सिर्फ सिर्फ कहानी सुननी है अभी सिर्फ क्या करना है आपको आपको सिर्फ अभी कहानी सुननी कि कैसे आया है ठीक है कहाँ से हमारा मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई है तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ठीक है तो क्या हुआ था कि चाइनीज़ जो थे चाइनीज़ में एक शहर था जिसका नाम जो है कुछ रिलेटेड है तो यहाँ से जो है हम लगभग फिफ्टी फाइव हंड्रेड ईयर एगो की बात है कि हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेट जो वर्ड है वो कब आया था लगभग फाइव थाउजेंड ईयर्स पहले जो है एक टाउन था जिसका नाम था मैगनीशिया अब उस मैगनीशिया में एक जो है ग्रीस शहर था जिसका नाम अब जो है टर्की हो गया है अब उसको टर्की के नाम से जानते हैं तो ये वहाँ पर एक रॉक का फॉर्मेशन हुआ था एक रॉक बन बनी हुई थी वहाँ पर जिसे हम लोग लेड स्टोन कहते हैं जो आप लोग ये वाला डायग्राम देख रहे हो ना इस पर यही है वो लेड स्टोन ठीक है यही है लेड स्टोन ठीक है तो ये क्या थी इसके अंदर कुछ ऐसे डायरेक्शन गाइडलाइन कैपेबल थे जिसमें ये क्या करती थी कि कोई भी डायरेक्शन को गाइडलाइंस करती थी तो इट वाज वन ओर आइलैंड कार मैग्नेटाइट इसका जो एक ओर था वो किसका बना था मैग्नेटाइट का बना हुआ था तो ये वर्ड मैग्नेट जो था वो यहीं से डिराइव्ड हुआ जिसका नाम था पहले टाउन मैग्नीशिया तो नेचुरल मैगनेट जैसे कि आयरन लडस्टोर ये सारी ये जो है नेचुरल मैगनेट था क्योंकि इसका और क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये भाई स्टोन से बना हुआ एक शहर के शहर में पाया गया था एक स्टोन का फॉर्मेशन जिसका नाम था लड स्टोन और ये नेचुरल स्टोन था तो ये कहानी मतलब अगर हम लोग बी में जाए तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पुरानी है और अगर हम लोग ऐसे ईयर वाइज देखते हैं तो फाइव थाउजेंड ईयर एगो की बात है ये तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग ये जो नीडल थी ना इसकी उसका यूज़ किया ये स्टोन का जो था उसमें एक शार्प नीडल शार्प नीडल में न्यूक्लियर नुकेले आपको दिखाई दे रहा स्ट्रक्चर नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर यहाँ पर निकले हुए थे इस नीडल का यूज़ जो था वो पॉइंटेड आउट करने के लिए किया गया नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन डायरेक्शन को पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया गया उस समय की बात है ये बहुत पुराने समय की बात है फिर है इट इज़ यूज बाई सेलर्स फॉर नेविगेटिंग देयर शिप्स एंड हाई सी लेटर डिपोजिट ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और वर डिस्कवर्ड द ग्रीक्स मैनी सेंचुरीज ए गो ठीक है तो जो मैंने अपने स्टोरी आपको बताई है हिंदी में वही स्टोरी यहाँ पर दी गई है कि फिर उसको ढूंढा गया इन रीज़न ऑफ टर्की अब वह वो रीज़न को क्या मैंने बताया अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं अब वो शायद टर्की हो गया पहले वो मैग्नीशिया था ठीक है देन नॉन एज मैग्नीशिया जिसको तब जो है मैग्नीशिया के नाम से जानते थे तो अब क्या है वो वहाँ से क्या मिला था उसे मैग्नेटाइट मिला था तो ये जो मैग्नेटाइट के पीसेस थे वो नेचुरल मैग्नेट थे और लगभग ट्वेल्थ सेंचुरी पीपल यूरोप जो थे यहाँ के नेचुरल मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे जिसे हम लोग रेड स्टोन बोलते हैं लीडिंग स्टोन जिसे कहा जाता है जो फर्स्ट मैग्नेटिक कम्पास था ये फर्स्ट मैग्नेटिक कम्पास था इतनी बात समझ में आ गई अब देखिए मैगनेट क्या होता है मैगनेट क्या होता है तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को कौन से ऑब्जेक्ट को लाइक like आयरन like को लाइक निकल को एंड कोबाल्ट को तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो है वो जो मैग्नेट होगा मेनली बेसिकली जो मैग्नेट होगा वो क्या करेगा वो अट्रैक्ट करने का काम करेगा किसको अट्रैक्ट करेगा किसको अट्रैक्ट कर सकता है वो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है निकिल को अट्रैक्ट कर सकता है एंड कोबाल्ट को तो ये वाली पेंसिल जो है मैग्नेट क्या इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं अट्रैक्ट करेगा ठीक है क्योंकि ये जो है हमारी ये निकिल कोबाल्ट या फिर आयरन की तो बनी नहीं है तो कैसे अट्रैक्ट करेगा प्लास्टिक को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा है ना फिर है हमारा कि मैग्नेटिज़्म क्या होता है ठीक है मैग्नेट देखा हम लोगों ने मैग्नेटिज्म क्या होता है तो मैग्नेटिज्म जो है वो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की अट्रैक्ट करने की मैग्नेटिक सब्सटेंस को जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म यानी कि कोई भी मैग्नेट जो है उसकी जो किसी और सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिज़्म जैसे कि अगर कोई आयरन वगैरह होता और यहाँ पर मैग्नेट होता उसको हम लोग अट्रैक्ट कराते तो वो किसकी प्रॉपर्टीज़ होती वो ही उसकी प्रॉपर्टीज़ uh, जो है क्या कहलाती है उसका मैग्नेटिज्म कहलाती दिस पीसेस ऑफ मैगनीटाइड हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस टू वर्ड्स दमसेल्व एंड सेटिंग अ फिक्स डायरेक्शन विद सस्पेंडेड फ्रीली ठीक है ये जो पीसेस होते हैं मैग्नेटाइट के वो क्या तो उनमें प्रो, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं और फिर अगर जो है फिर वो सस्पेंडेड भी खुद भी अलग ही हो जाते हैं फर्दर ऑन इट वॉज़ डिस्कवर डैट इफ अ पीस ऑफ आयरन इज़ रब विथ मैग्नेटाइट अगर फिर बाद में पता लगाया गया कि अगर हम लोग आयरन के पीसेस को रब करेंगे देन एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो उसके अंदर कुछ क्या हो जाएगी एक यानी कि कुछ आने वाली क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पर शो करने लगेंगी तो पीस ऑफ आयरन मैग्नेटाइज वाज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट तो हम आयरन के पीस को आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम से जानने जाने लगे ठीक है अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है ठीक है पहले तो जान लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पता होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होंगे जो क्या करेंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट के थ्रू जैसे अभी मैंने बताया कि ये पेंसिल जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी है ना क्योंकि ये ना तो लोहे से बनी है ना तो आयरन से बनी है ना तो निकल से बनी है ना ही कुबाल से बनी है और मैग्नेट में हमने पहले ही बताया कि मैग्नेट जो है वो किस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा आयरन को निकल को कोबाल्ट को ठीक है और भी ये सबस्टांस जो है उनको भी तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल हो गए जो कि अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट के थ्रू लाइक आयरन निकल एंड कोबाल्ट तो यहाँ पर ना तो ये बुक मैग्नेट की बनी है ना तो ये टेबल बना हुआ है ये सारे ही किसके बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं ना मैग्नेट के तो ये अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे ना निकल के ना आयरन के ना कोबाल्ट के बने हुए हैं फिर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे ऐसे मटेरियल जो क्या होंगे अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट के थ्रू जैसे कि मैंने बताया ना ये हमारी टेबल हो गई बुक हो गई और ये पेंसिल हो गई सो so, एग्ज़ाम्पल इसमें है वुड है गोल्ड है सिल्वर पेपर ये सारे जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण हैं फीगर यहाँ पे डायग्राम की बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट में देखिए कि पीस ऑफ आयरन आर स्टील अट्रैक्टिव टू डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ लेड स्टोन मैगनेटाइट जिसे बोलते हैं आर इम्पेक्टेड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट ठीक है तो जो पीस थे आयरन के या फिर स्टील के जो अट्रैक्टिव थे या डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे लेड स्टोन की उनको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम से जानते हैं ठीक है सो वाइव आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रीफर टू नेचुरल मैग्नेट्स क्यों आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को जो है प्रीफर किया गया नेचुरल मैग्नेट्स के नाम से सबसे पहली बात आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो थे वो फार स्ट्रोंगर देन नेचुरल मैग्नेट्स ठीक है वो क्या थे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर फार स्ट्रॉगर वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे स्ट्रॉगर थे देन नेचुरल मैगनेट्स के अपेक्षा तो स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल मैगनेट्स कैन भी इंक्रीज जो स्ट्रेंथ थी, थी ठीक है उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग जो है आर्टिफिशियल मैगनेट के स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं बट नॉट दोज ऑफ़ नेचुरल मैगनेट्स लेकिन हम ऐसा नेचुरल मैगनेट्स के साथ नहीं कर सकते द आर्टिफिशियल मैगनेट्स कैन बी कि कास्ट इन एनी डिज़ायर्ड शेप हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा हमारी इच्छा हो वैसा शेप दे सकते हैं साइज दे सकते हैं बट नैचुरल मैगनेट्स को हम कोई शेप या साइज़ आकार नहीं दे सकते ठीक है तो ये ये खासियतें थी आर्टिफिशियल मैगनेट्स में जिसके वजह से आर्टिफिशल मैगनेट्स को प्रीफर्ड किया गया नेचुरल मैगनेट्स की तरह ठीक है फिर है काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स अब देखते हैं कि मैग्नेट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं कितने कितने काइंड्स ऑफ होते हैं तो पहला है हमारा बार मैगनेट्स सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक नीडल्स फिर है हमारा थर्ड पॉइंट पे हॉर्स शू मैग्नेट्स फोर्थ है हमारा मैग्नेटिक कंपास तो आज हम लोग इन्हीं काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में देखेंगे सो तो सबसे पहला है हमारा बार मैग्नेट्स बार मैग्नेट क्या होता है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का स्टील बार का बना होता है जिसमें क्या होते हैं दो एंड होते हैं नॉर्थ एंड साउथ ये इंडिकेट करता है यहाँ पर आप लोग के डायग्राम में ये देखिए ये वाला जो है बार मैगनेट है यहाँ पर क्या कह रहा है ये साउथ को शो कर रहा है, तो है, है? है, है, है यहाँ पर एस बना हुआ है ये साउथ को शो कर रहा है और यहाँ पर एन बना है जो नॉर्थ को शो कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर लेटर एन जो है वो क्या लिखा है जोग्राफिक नॉर्थ है एंड लेटर एस जो है वो ज्योग्राफिक साउथ है यहाँ पर एस वाला क्या है ज्योग्राफिक साउथ और एन वाला क्या है ज्योग्राफिक नॉर्थ तो बार मैग्नेट क्या होता है रेक्टे आपको याद रखना है इसकी खासियत क्या रखनी है कि बार मैग्नेट जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इसमें दो एंड होते हैं लेटर एन जो है वो ज्योग्राफिक को शो करता है और लेटर एस भी जो है ज्योग्राफिक साउथ को शो करता है फिर है मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नीडल जो है ये वाला आप लोग को डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर ये शो कर रहा है ये है हमारा मैग्नेटिक नीडल इसमें क्या होता है मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो काफी ज्यादा थिन होता है काफी पतला होता है जो मैग्नेटाइज स्टील नीडल माउंटेड और शार्प पाइवट यहाँ पर क्या होती है कुछ पतली सी नुकीली स्ट्रक्चर पाई जाती है वेन सस्पेंडेड फ्रीली जहाँ पर ये फ्रीली वर्क करते हैं और इसमें पॉइंट्स में, में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन जो है वो डिनोटेड होता है यहाँ पर जो है ना नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट जो है वो डिनोटेड है ये होता है मैग्नेटिक नीडल ठीक है नीडल यानी कि सुई की तरह ये काम करते हैं फिर है हॉर्स शू मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है ये ड्राई वोड नेम फ्रॉम पिकोलियर शेप क्योंकि इसका नाम क्या कह रहा है हॉर्स शू मैग्नेट तो इसका कुछ शेप भी इस तरीके का होगा इसका शेप भी हॉर्स शू शेप ही होता है इस तरीके का शेप होता है इस घोड़े के नाल जैसा ठीक है तो ये क्या होता है फिर पिक्यूलियर शेप होता है इस बेंट फ्रॉम अ हॉर्स शू इट्स मोर पावरफुल ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है देन द बार मैग्नेट बार मैग्नेट की अपेक्षा जो है कंपेरिजन में हॉर्स टू मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ये बात आप लोग याद रखिएगा इट इज़ मोस्ट पावरफुल देन द बार मैग्नेट बिकॉज बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल फेस ईच अदर एंड हिस्स द अट्रैक्टिव फोर्स इज डबल क्योंकि यहाँ पर क्या होता है नॉर्थ और साउथ पोल का जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है अपोजिट होगा यानी कि वो दोनों क्या होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए ये क्या है हॉर्स शू शू मैग्नेट है यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल ये दिए हुए हैं ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों अपोजिट साइड है एक दूसरे के पास है तो वो क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इसीलिए पावरफुल मैग्नेट होता है इन कंपेरिजन ऑफ बार मैग्नेट फिर है हमारा मैग्नेटिक कंपास लास्ट है हमारा मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक कंपास क्या होता है ये वाला आप लोग को डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर ये वाला डायग्राम शो हो रहा है ना मैग्नेटिक कंपास में तो मैग्नेटिक कंपास जो हमारा होता है वो कंसिस्ट होता है बहुत स्मॉल मैग्नेटिक नीडल से इसमें छोटे छोटे नीडल का यूज़ किया गया है मैग्नेटिक नीडल्स का जो माउंटेड होती हैं और इसमें शार्प फाइवर्ट होता है जो इंक्लोज होता है सिलेंड्रिकल एलूमिनियम बॉक्स में इसका बेस जो होता है वो मार्क होता है जियोग्राफिकल पोजिशन पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेसिंग के लिए मैग्नेटिंग की ट्रेसिंग के लिए या फिर लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ए मैग्नेट ठीक है या फिर हम लोग क्या करते हैं लाइंस ऑफ अ फोर्स ऑफ मैग्नेट मैग्नेट की फोर्स को ज्ञात करने के लिए पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक कंपास ये थे हमारे चार टाइप ऑफ फोर टाइप के मैग्नेटिक मैग्नेट्स ठीक है तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को है ये बहुत ईजी आप लोग कर लोगे अगर आप लोग को ये पढ़ लिया आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना तो रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट पॉइंटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर शेप हमारा कौन सा था बार मैग्नेट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बार मैग्नेट ठीक है यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बार मैग्नेट फिर है हमारा वेरी थिन मैग्नेटाइज नीडल माउंटेड शार्प फाइवर्ट जो बहुत थिन फाइव होती है वो क्या होती है मैग्नेटिक कंपास होता है ना यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है वेरी स्मॉल यहाँ पर तो स्मॉल होता है ना वेरी थिन कहाँ पे पाया जा रहा था हमारा मैग्नेटिक नीडल में तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नीडल फिर है लास्ट हमारा थर्ड वाला मैग्नेटिक नीडल इनक्लोज इन अ सिलेंड्रिकल एलुमिनियम बॉक्स वो कौन सी मैग्नेटिक नीडल है जो एलुमिनियम बॉक्स में कंट्रोल होती है तो यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल बॉक्स में सेव होती है तो उसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक कंपास फिर है हमारा डैश डैश इज यूज फॉर ट्रेसिंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन सा ऐसा मैग्नेट का टाइप है जिसको हम लोग ट्रेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं मैग्नेटिक लाइंस एंड फोर्स वे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा मैग्नेटिक कंपास इसका भी आंसर हमारा क्या होगा मैग्नेटिक कंपास ठीक है फिर है मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इज कौन सा जो हमारा मैग्नेट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो है हॉर्स शू मैगनेट क्योंकि इसके दोनों साइड जो होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे के ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हॉर्स शू मैगनेट तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोगों ने क्या पढ़ा मैग्नेटिज्म में क्या होता है इसकी स्टोरी पढ़ी कि कहाँ से आया था और उसके बाद काइंड्स ऑफ मैग्नेट मैग्नेट्स पढ़े तो जो आप लोगों ने जिन भी बच्चों को ये वीडियो है हेल्पफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ इसे मिलकर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू कीप वॉचिंग